नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल। मेवात महापंचायत में जुटे हजारों किसान, कृषि कानूनों के खिलाफ दिखाई एकजुटता। डूटा हड़ताल, अपर्याप्त फंड और NEP के खिलाफ शिक्षकों ने किया केजरीवाल के घर तक मार्च। कोरोना अपडेट, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में आए 26,291 नए केस। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आज से 2 दिन की हड़ताल शुरू की है। UFBU 9 बैंक यूनियनों की एक अम्ब्रेला बॉडी है और माना जा रहा है कि देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। दिल्ली में भी आज संयुक्त किसान मोर्चा और कई ट्रेड यूनियंस ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और लेबर कोड्स के खिलाफ एंटी प्राइवेटाइजेशन डे का आह्वान किया। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आम जनता के कड़े विरोध के बावजूद सरकार जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे सरकारी क्षेत्र के उद्यम हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, सभी को सरकार बेचने के ऊपर आमादा है। लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं क्योंकि निजीकरण के चलते जहाँ जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ वहाँ कर्मचारियों की छटनियाँ हो रही हैं, बड़े पैमाने पे जॉब लॉस हुआ है। और जो ऐसे ऐसे पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है जो सरकार को मुनाफा अर्जित करके देते हैं, उस मुनाफे से हमारे बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, ये जो जितनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके अंदर उनको खड़ा करने में सार्वजनिक जो संस्थान हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो बात बोल रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो अगर अपने ही जो संपत्ति है उसको सरकार यदि बेच देगी तो हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनेंगे। बल्कि हम जो निजी क्षेत्र है, देशी विदेशी पूंजी है, उनके हम निर्भर और गुलाम बन के रह जाएंगे। हम लोग ट्रेड यूनियंस जो हैं, सरकार की जो निजीकरण की नीति है और देश के जो एसेट्स हैं, उद्योग हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन सबको कॉरपोरेट घरानों को देने की बात है। आज भी खबर आई कि जो बचे खुचे एयरपोर्ट्स हमारे हैं वो भी 100% दे दिए जाएंगे। तो ये भी कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस का भी आंदोलन है। तो इस दिन में इसीलिए एंटी प्राइवेटाइजेशन डे के रूप में और एंटी कॉरपोरेटाइजेशन डे के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया। मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त देश के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख के जगहों के ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि बैंक्स की हड़ताल है तो उनके भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंश्योरेंस वाले साथ में उतरे हुए हैं, डिफेंस वाले इसी इशू के ऊपर खड़े हुए हैं, रेलवेज वाले खड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने रेलवे स्टेशंस को सिंबॉलिक चुना क्योंकि रेलवेज भी बेची जा रही हैं, प्लेटफॉर्म्स भी ऑक्शन किए जा रहे हैं, नॉर्मल ट्रेनें चलाई नहीं जा रही हैं, प्राइवेट ट्रेनें महंगी वाली चलाई जा रही हैं। तो हम समझते हैं कि मजदूरों और किसानों की बढ़ती हुई एकता में ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। कृषि कानूनों का विरोध लगातार बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में किसान महापंचायतों के जरिए किसान यूनियन क्षेत्र के किसानों और आम जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं। इन महापंचायतों में भारी संख्या में जनता शामिल हो रही है। इसी सिलसिले में मेवाती किसान मोर्चा के आह्वान पर मेवात में किसान महापंचायत हुई। आइए देखते हैं न्यूज क्लिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम हरियाणा के मेवात के इलाके में हैं, जहां पे आज किसानों ने अपनी बड़ी महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत के बारे में खास बात यह है कि ये महापंचायत पूरी तरीके से मेवात और नूह के इलाके में रहने वाले जो मुस्लिम समाज है उनके लोगों ने बुलाई है। और उन्होंने कहा है कि इस महापंचायत के माध्यम से हम अपनी पॉलिटिकल मैसेजिंग देना चाहते हैं और साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बाकी कम्युनिटीज के साथ में हम अपना ये जो किसान आंदोलन है वो हरियाणा, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में ले जाएंगे। आज हसन खां मेवाती का 494वां यौम शहादत दिवस है। हम इसको आज बहुत ही जोड़ कर देखते हैं आज के किसान आंदोलन से। 15 मार्च 1527 को जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो
जहीरुद्दीन बाबर ने कहा था कि राजा हसन खां मेवाती तुम भी मुसलमान हो हम भी मुसलमान हैं, आप हमारी तरफ आ जाओ हम आपको रियासतें दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा वतनी भाई राणा सांगा है, तुम बाहरी हो विदेशी आक्रांता हो, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और देशभक्ति चूंकि हमारे खून में है इसलिए हम तुम्हारा मुकाबला मैदान में करेंगे। तो 15 मार्च 1527 को लड़े और 12,000 घुड़सवारों के साथ शहादत दे दी। बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा 900 रुपया में सिलेंडर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा महंगा हुई पड़ी है। इससे गरीब आदमी परेशान है, गरीब आदमी मजदूर तबका हर आदमी परेशान है इस सरकार से। जब तो झूठा वादा करके एक करेंगे बाद में कुछ नहीं करती है। ये गरीब आदमियों पे वोट ले लेती है, किसानों पे से, फिर उनके साथ अन्याय करती है। ऐसे अन्याय सरकार हमने तभी कोई देखी नहीं है जितनी ये बुरी सरकार आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ यानी डूटा के शिक्षकों ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक मार्च निकाला। शिक्षकों को घर से पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद 5 शिक्षक केजरीवाल के घर में गए और बातचीत की। दरअसल डूटा ने 12 कॉलेजों के शिक्षकों को वेतन न मिलने पर 11 मार्च को हड़ताल की घोषणा की थी, जिसके बाद सरकार ने फंड जारी तो किया मगर शिक्षकों का कहना है कि वह अपर्याप्त था। इसके साथ ही आज शिक्षकों ने नई एजुकेशन पॉलिसी का भी विरोध किया। देखते हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट। मनीष सिसोदिया मुर्दाबाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुर्दाबाद। केजरीवाल हमारे साथ महा धोखा करके सरकार का साथ दे रहे हैं एनईपी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिसइंटीग्रेट कराने में। पहले 28 कॉलेज ले जाएंगे तो इसमें डिसअफिलिएशन का क्लॉज एनईपी में 2030 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग हो जाएंगे, अपने अलग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे और उनका रूल रेगुलेशन अलग होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरह चलेंगे हर मामले में, फीस, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रमोशन, सैलरीज, हर चीज़ में। तो आप एक अच्छी खासी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को तब्दील कर रहे हैं 80 अलग अलग ऑटोनोमस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। ये नहीं चलेगा, ये हम नहीं होंगे। कि शिक्षा में जो सैलरी है वह ग्रांट है, वह राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है। आप सरकार जो है शिक्षा पे खर्च करने से हाथ पीछे खींच रही है, यह ठीक नहीं है। आप स्टूडेंट को अगर आप बढ़ाएंगे कि फीस जो है वहाँ से बढ़ा करके उनके फंड से अगर सैलरी दीजिए तो फिर आप यह समझिए कि फिर कौन सा बच्चा पढ़ पाएगा। 14 से 15 महीने हो गए हैं कि वो सैलरीज नहीं देते, पेंशन का रुपया नहीं आता, ग्रांट टाइम से नहीं आता। 3 महीने 4 महीने को टीचर को कुछ सैलरी नहीं मिलता, वो प्रदर्शन करता है तो कुछ ग्रांट आ जाता है। जो ग्रांट आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। अभी भी जो ग्रांट रिलीज हुआ है वो कई कॉलेजेस में सिर्फ जनवरी भर तक की सैलरी के लिए है। भगिनी निवेदिता में भी ग्रांट रिलीज नहीं हुआ है। बहुत समय से मेडिकल जो बिल्स हैं टीचर्स के, एरियर्स हैं, वो सब पेंडिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हो गई है वो ये कि इन्होंने पैटर्न ऑफ असिस्टेंस करके एक डॉक्यूमेंट गवर्निंग बॉडीज़ पे भेजा और अभी गवर्निंग बॉडीज़ को फ़ोन आ रहा है कि आप उसको अडॉप्ट कीजिए। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस में पहली बार ही इन 12 कॉलेजेस को एफिलिएटेड कॉलेजेस कहा गया है जबकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। तो एक दस्तावेज के थ्रू, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के थ्रू ये लोग उसका नेचर चेंज करना चाह रहे हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं। जिस तरीके से रातों रात कॉलेज ऑफ आर्ट को ले लिया गया, हम समझते हैं कि एक बड़ी साजिश चल रही है इन 12 कॉलेजेस को अलग करने के लिए। बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी खबर की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 15 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,291 नए मामले सामने आए हैं और 118 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 63% यानी 16,620 नए मामले महाराष्ट्र से आए हैं। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 17,455 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 8,718 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,13,85,339 हो गई है, जिनमें से संक्रमण के कारण अब तक 1,58,725 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 96.68% यानी 1,10,07,352 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.92% यानी 219,262 हो गई है।
राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा केस आए हैं। इसके बाद केरल, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। राज्य में छोटे स्तर पर लॉकडाउन भी लगाया गया और आगे इस लॉकडाउन के बढ़ने की संभावना भी देखी जा रही है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। We'll be right back.